नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम सोनी और आइए देख लेते हैं इस बुलेटिन में खबर जो कि शहर से है। आम आदमी पार्टी द्वारा पिछले कई दिनों पहले अनशन पर बैठकर अपनी मांगों को रखा गया था और उन्हीं मांगों में से एक मांग विद्युत विभाग से की गई थी, जहां पर विद्युत विभाग के द्वारा ग्रामीणों तक बिना रीडिंग के बिना मीटरों के भुगतान के लिए बिल भेजे जा रहे थे, जिस पर किसानों के साथ आक्रोश से जन भी वहां मौजूद रहे, लेकिन आज तक उनकी समस्या वो समस्या ही बनकर रह गई, जिसके संबंध में आज आम आदमी पार्टी के संयोजक अमित भटनागर द्वारा कलेक्टर के पास पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन के माध्यम से लोगों तक बिल पहुंचाने के साथ साथ मीटर और रीडिंग की भी हिदायत व मांग रखी। अगर उनकी ये मांग नहीं पूरी होती है तो आम आदमी पार्टी के साथ साथ ग्रामीणों का कहना है कि जब तक बिल नहीं आएगा, बिल के बिना राशि का भुगतान भी नहीं किया जाएगा। बिजली कंपनियों के द्वारा जिले के किसान व्यापारी आम आदमियों के साथ खुली लूट की जा रही है। घरों में गांव के एक भी मीटर नहीं लगे हुए हैं, बगैर मीटर के बिजली के बिल दिए जा रहे हैं, मनमाने बिजली के बिल दिए जा रहे हैं। बिजली के बिलों के नाम पर जमकर किसानों की, आमजनों की, व्यापारियों की लूट की जा रही है। इसके खिलाफ आज किसानों में, व्यापारियों में, आमजनों में जमकर आक्रोश से आज आम आदमी पार्टी के तत्वावधान में कलेक्ट्रेट का घेराव कर हम लोगों ने बिलों में आग लगाई और कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन सौंपा। और हमारा स्पष्ट रूप से कहना है कि मीटर गांव में लगाए जाएं और बिगर मीटर के हम बिल नहीं जमा करेंगे, अपना शोषण नहीं कराएंगे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। मिलते हैं अगले बुलेटिन में ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए कहीं मत जाइए, बने रहें पेप्टिक टाइम पर। राष्ट्रीय फाइलेरिया दिवस 14 मार्च 2018। डीईसी की गोली खाना है, फाइलेरिया को मिटाना है, हमारा संकल्प फाइलेरिया यानी हाथी पांव से मुक्ति, सावधानी ही बचाव है। जनहित में जारी, जिला स्वास्थ्य समिति छतरपुर।